उनको अदालत में जाना पड़ गया, 6 साल लग गए, उसके बाद आपने स्वीकार किया जब डीएनए का मैच हो गया, देरी क्यों हुई थी? देरी क्या, तो देरी में भी मैं तो पत्रकार खुद हूँ तो मैं तो देरी के पसंद ही नहीं करता जी। तो आप मानते हो ना प्रभु पुत्र? हाँ। अब आप रोहित शेखर, अब आपके बेटे हैं, औपचारिक तौर पे क्या कहेंगे तिवारी जी? आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो खुद कहना चाहते हैं, अब आपने मान लिया है तो क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे तिवारी? आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? जी रोहित के, जो मैंने वो डीएनए टेस्ट के बारे में डीएनए टेस्ट हुआ था जी, तो उसको उसी को मैंने दोहराया। तिवारी जी आपकी बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत रही है, आपको लगता है रोहित शेखर उस विरासत को संभाल पाएंगे? नहीं नहीं, विरासत तो रही है वो एक पत्रकार के नाते रही है और पुस्तकें लिखी गई हैं, सब कुछ किया गया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अगर डीएनए टेस्ट मिल गया था तो डीएनए टेस्ट मेरा है ये कहने में तो कोई गलती है नहीं। आशीर्वाद आशीर्वाद देंगे रोहित को? अब रोहित को क्या अधिकार देंगे आप? रोहित को क्या अधिकार देंगे आप? क्या अधिकार? कोई अधिकार? कोई अधिकार? बेटा के, बेटे का अधिकार तो उसका बनता है, कह दिया जो। नहीं नहीं, इसको लेके कोई विवाद नहीं है, विवाद है ही नहीं। नहीं, रोहित से मिलेंगे आप आज? रोहित से मुलाकात करेंगे। पहले तो आपकी बहुत सारी तस्वीरें बचपन से लेके अभी तक रोहित के साथ जन्मदिन मनाते हुए, अच्छा ही है। तिवारी जी एक आप एक लाइन में अगर पूरी मीडिया को एक अपना औपचारिक बयान दे दें कि हमने रोहित शेखर को स्वीकार किया है, इस तरह की पूरी बात आप कह दें। और बाइक लीजिए, बाइक लीजिए। जी स्वीकार किया है, थैंक यू। आपको डीएनए टेस्ट से उनको मिल के आता जी, इसलिए उस वास्तविकता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे रोहित, आप रोहित राजनीति में आए? आप चाहेंगे? आपके बेटे हैं वो राजनीति में आए? आपकी आप कई बार मुख्यमंत्री रहे, कई बड़े बड़े औहदों पर रहे देश भर में, आप चाहेंगे रोहित राजनीतिक विरासत संभाले, आपकी राजनीति में आए? देखिए राजनीतिक विरासत तो अपने ऊपर रहती है कि वो राजनीति में कितना कार्य करते हैं, ये कोई मेरे ये कोई राजनीति को हमें अपने पिताजी से और किसी से भी सोचा। लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं और वो सफलता प्राप्त करें या न करें ये उनके ऊपर है। तिवारी जी राजनीतिक छवि की वजह से आज तक आप स्वीकार नहीं किए कि राजनीतिक छवि पर असर पड़ेगा, ऐसा है क्या?